तो ये था मेरा कल का रूम जहाँ मैंने स्टे किया था। एंड ये बेड लगे हुए यहाँ पे, एक ये छोटा सा बेड लगा हुआ और एक ये छोटा सा बेड लगा हुआ। यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है, सामने नदी है छोटी सी। और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 6:15 एंड मैं निकल रहा हूँ ऊपर से व्यू कैप्चर करने। तो मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ कैंप से एंड देन आपको दिखाऊंगा कि ये जो कॉटेज है, छोटा सा गेस्ट हाउस, बहुत प्यारा सा है। यहाँ का व्यू कैसा है वो आपको बाहर जाके दिखाऊंगा। तो इस टाइप का व्यू है। आंटी जी मेरे को अति हुआ बताओ ना, तो आप कभी भी आओगे तो यहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो ट्रैकिंग वाली। जाएगा? हाँ जाएगा। माथीगढ़ व्यू कैप्चर करने बने को छिट छिटो माथीगढ़ नहीं तो अलग व्यू यहाँ को वो दिखाने बने को वीडियो। तो कुछ ऐसा था मेरा कल का जो जर्नी था। अंधेरे में मैं यहाँ पे पहुँचा था और यहाँ का नाम है सॉरी शिवालय। अंधेरे में यहाँ से कुछ दिखा नहीं एंड इस वक्त हो रहा है अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग के 6 एंड यहाँ मैं कल स्टे किया था। ये है आपका कालो पत्थर लॉज और यहाँ से बगल से आपको ना एक मस्त चीज़ दिखेगी, वो है कि यहाँ पे एक जो पुल होता है ना नेपाल में, वैसा वाला ब्रिज, लटकने वाला ब्रिज, काइंड ऑफ दैट ब्रिज यहाँ पे है। और इसके नीचे नदी भी है एकदम मस्त। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको चल के इस पर। और इट्स लाइक इस टाइप का एक ब्रिज है और भाई इसमें चलने में ना डर भी लगता है यार, क्योंकि ये जो ब्रिज है हिलता है पूरा ना चलते चलते, और नीचे नदी भी है। और इतने ठंडे में अगर आप नीचे नदी में गिर गए तो भाई समझ लो मौत पक्की है। नदी इतनी बड़ी नहीं है लेकिन एक तो ठंड हो रही है और पानी नदी का ना भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ठंडा। और व्यू देखो ना, नेक्स्ट लेवल व्यू है, अलग ही व्यू है। ये ऊपर से नदी आ रही है और ये शायद यहाँ से नीचे काठमांडू के साइड। तो भाई इस वक्त जो मेरी फीलिंग है ना नेक्स्ट लेवल यार, क्या बताऊँ मैं भयंकर। ये मेरा एक ये ड्रीम था कि मेरे को इस टाइप के पुल जो नेपाल में होते हैं उस पुल में आना और यहाँ से व्यू लेना भाई नेक्स्ट लेवल। और ये कुछ ये थोड़ा छोटा कम हाइट वाला पुल है, अगर मैं आगे जाऊँगा तो इससे ज़्यादा ज़्यादा हाइट वाले पुल और बहुत ही मस्त पुल दिखेंगे। तो भाई जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, और मैं ऐसे और ज़्यादा वीडियो आपको कैप्चर करके दिखाऊँगा। और ये है जहाँ पे कल मुझे बस ने उतारा था, सेम यहाँ पे। और यहाँ तक बस आती है, यहाँ का नाम है शिवालय। तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट है छोटा सा एंड देन यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये शायद इनका टूरिस्ट इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा ऑफिस है और यहाँ पे छोटा सा ऑफिस इन्होंने बनाया है। तो भाई यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको छोटा सा एक नदी सा क्रॉस करना पड़ेगा। नहीं माथी जाने बाठो कत्ता छा यहाँ बटे सीधा सीधा ठीक है। तो यहाँ पे इनका ना टूरिस्ट एक टूरिस्ट सेंटर टाइप का भी है जहाँ से आपको परमिट लेना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। तो टूरिस्ट इंडियन टूरिस्ट के लिए 1000 है और फॉरेनर टूरिस्ट के लिए 3000 है एंड तो यहाँ पे आके आपको परमिट लेना पड़ेगा फिर आपको ऊपर जाने देंगे ठीक है। वाली है बैंड और यहाँ से नीचे जो शिवालय है ये देखिए, यहाँ का इस टाइप का शिवालय है। और मैंने भी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया, सोचा ऊपर जाके करूँगा, पानी भी नहीं भरा है। तो भाई देख रहे हो चढ़ाई भाई, आज तो बैंड बजने वाली बहुत तगड़ी वाली, यहाँ स्टार्ट ही चढ़ाई से हो रही है। और ऊपर जाते जाते तो फट जाएगी भाई साहब। 3-4 किलोमीटर आगे और खड़ी चढ़ाई चढ़ के आया हूँ। बहुत बुरा हाल हुआ यार, बहुत ही अभी से ही बहुत बुरा हाल हो गया है। अराउंड 30 kg का वेट मैं कैरी करके चल रहा हूँ। दो बैग है मेरे पे, एक 25 kg का और एक 5 kg का, उसमें सामान डाला हुआ है। तो बताना चाहूँगा यार, तुम जितने मर्जी ना डंबल लगा लो, बॉडी बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इन पहाड़ों में जब आओगे तुम ट्रैकिंग करने और वेट के साथ अपने लगेज के साथ, तो भाई कुछ मैटर नहीं करता, तुम्हारी बैंड बजनी है। जो यहाँ के लोकल है ना वो लोग पता नहीं कैसे रहते यार, और कैसे वो इतना सफ़र करते हैं ऊपर नीचे डेली का अप डाउन करते हैं अपना। तो भाई अभी से ही बैंड बज गया और मुझे यहाँ से अराउंड अराउंड ये लगा लो कि
100 किलोमीटर्स अबव चलना है मुझे, ऊपर 100 किलोमीटर के आसपास, तो अब जाके मैं गोक्यो और बेस कैंप के पास पहुंचूंगा। तो भाई बहुत दूर है और बीच में मैं कैंप वगैरह करूंगा, तो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहेगा। और देखो भाई ये यहाँ का व्यू है, अभी सनराइज़ हो रहा है, तो यहाँ का व्यू एकदम ही नेक्स्ट लेवल। जो पेंटिंग्स वगैरह में हम देखते थे ना, वैसा रियल लाइफ में सामने को देखने को मिल रहा है। देखो पहाड़ पहाड़, पहाड़ों के बीच से नदियाँ, ऊपर बादल और नीचे छोटे छोटे गाँव, नेक्स्ट लेवल व्यू यार। तो इस वक्त हम हैं रास्ते में देवराली के, और अप्रॉक्स 8 किलोमीटर और 7 किलोमीटर मैं मॉर्निंग से चल चुका हूँ। और भाई स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी, बट अब चलते चलते थोड़ी सी हैबिट बनने लगी है, तो अब थोड़ा सा मुझे सही लगने लगा है। लेकिन फिर भी यार 30 kg का वेट उठा के मैं चल रहा हूँ, तो भाई बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। एंड जो मेरे साथ बहुत सारे और ट्रैवलर्स भी थे फ्रॉम बेल्जियम एंड UK एंड USA, तो वो लोग अभी बहुत ही पीछे छूट चुके हैं। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे जस्ट एक जापानीज ट्रैवलर है, हाय से हाय, और ये मेरे को अभी रास्ते में मिले, एंड ये मेरे को मॉर्निंग में बस सॉरी ये मेरे को कल भी मिले थे बस में। एंड मैं अकेले अभी कर रहा था ट्रैवल, सो ट्रैवल करते करते मैं बीच में सामान लेने रुका, तो ये आगे निकल गए एंड मैंने उसी टाइम इन्हें देखा, फिर मैंने इनको थोड़ा फॉलो किया एंड देन इनसे बातचीत की। तो ये भी सेम इस वक्त जा रहे हैं बेस कैंप की तरफ। और भाई यहाँ का वेदर नेक्स्ट लेवल का है, मॉर्निंग में तो बादल वादल लगे थे लेकिन अभी धूप हो रही है, तो अभी इस वक्त चढ़ाई भी चढ़ रहा हूँ तो गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है काफ़ी। और यहाँ के जो लोग हैं, लोग बहुत सही यार, उनसे रास्ता वास्ता पूछो तो अच्छे से रास्ता बताते हैं एंड अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है कैसे जाना है। तो यहाँ से अभी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में जाने के लिए अप्रॉक्स 100 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज के दिन 30 किलोमीटर या फिर 32 किलोमीटर के अराउंड मैं अगर आज के दिन चल जाऊं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो ट्रैकिंग के स्टार्टिंग के डेज़ होंगे वो मुझे आई थिंक ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी वो रास्ते पार करने होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना टफ नहीं होगा। जैसे जैसे मैं ज़्यादा माउंटेन की तरफ जाना स्टार्ट करूँगा और जैसे हाई एल्टीट्यूड के पास जाना स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो वहाँ पर चलने में मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं वहाँ पर जल्दी से हाइक नहीं कर पाऊँगा। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्रॉस कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर स्टार्टिंग में जा सकूं।